हाँ जो है 31 दिसंबर है 2023 का आखिरी दिन, आइए देखते हैं कि ये लोग किस तरह नया साल शुरू करते हैं। सीख लगाने से कबाबी शहर की तरफ आ रहे हैं। यह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज जो है 31 दिसंबर है 2023 का आखिरी दिन, और मेरे दोस्तों ने भी कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाया है और बारबेक्यू वगैरह शामिल है प्रोग्राम में। तो मैं अभी दोस्तों के पास जाना चाहता हूँ, और जाने से पहले मैं इस वीडियो में आपका शुक्रमंद हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस साल, और आने वाला साल इससे बेहतर होगा, और आप लोगों के लिए ढेर सारी कामयाबियों का ख्वाहिशमंद हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरह से इस नए साल का आगाज़ करते हैं, और नए साल को किस तरह वेलकम कहकर अपना पुराना साल भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लोग किस तरह नया साल शुरू करते हैं। और अभी हम रास्ते पर हैं, और मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मली अंधेरा जो है जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों का मौसम है। और मेरे दोस्त लोग है वो मुझसे गाड़ी के जरिए 2-3 मिनट दूर है। ना ही रास्ता नहीं है, तो ये थोड़ा सा रास्ता है। हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं ये जो नल के आए की तरफ, यही पर ये लोग रहते हैं। भी 2-3 गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और मुझे बताया गया था कि मैं जो है कुछ रोटी लाओ। तो ये यहाँ पर जो है इस तरह की जो जाओ की रोटी है होती है यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो तुर्किश ब्रेड सैंडविच ब्रेड है ये भी मैंने लाया है ट्रेन के लिए। तो अभी जाते हैं ऊपर। यहाँ पर रात हो चुका है, और हम लोग लकड़ी जला के फिर आग जला के बारबेक्यू बनाएंगे। आग जलाने का बहुत ही आसान है, आग जल जाए। से हम लकड़ी लेते हैं, और यहाँ पर लकड़ी को ऐसे रख कर भाड़ी के साथ बनाते हैं, और फिर छोटी छोटी से शुरू की फूल करते हैं ताकि आग लगाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर रखते हैं सारे लकड़ी, और उसके बाद जब और फिर अपना बारबेक्यू बनाएंगे। और यहाँ पर कीमा और मुर्गी की तैयारी करने के लिए हम लोग यहाँ पर जोरों शोर से बिल्कुल आमादा है। लगाने से सारे खो चुके हैं, थोड़ा यहाँ पर है और थोड़ा रेडी हो चुका है। और यहाँ पर सारे कबाब, चिकन बोटी और बिल्कुल रेडी है कबाब बनाने में, मजे मजे देखते हैं कैसा आएगा। ये अभी जो कबाबी है वो घी लगा के, देसी घी लगा के कबाबों को और मज़ेदार बना रहे हैं, ताकि जल न जाए, ताकि जल न जाए और आरामी से बन जाए। और कबाबी ने जो है बुरुशी रंग से बन जाए, बुरुशी रंग इसने जो इस्तेमाल किया हमारे दोस्तों, हम बुरुशी रंग से गोश्त को चर्व कर रहे हैं, अभी से हमें गोश्त के मसाज कर रहे हैं।
हमारे मजाक उड़ा रहे हैं हमारे हमारे देख ले आप लोग उधर मेरे ख्याल में ये सारे जो है पक चुके हैं पक चुके हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं यहां पर रखते हैं ओए ये अभी यहां से एक تكلوب بالكل مزدان غير شكني شيء هاي مريه دوست مكياش لسي ميز بنا رأي كبابكو بالكل یہ تو اور مزدار ہوگا میں بھی اسی طرح ٹرائی کرتا ہوں شکنی ڈال کے سینڈوچ بنا کے یار یہ مجھے دے دو بوٹی والے چکنی کے ساتھ بالکل مزیدار ٹیسٹی ریشمی کباب میرے دوست نے وہ سینڈوچ والا بنایا تو مجھے ابھی سینڈوچ والا بنانا پڑے گا اس میں ایک کباب ڈال کے شامی کباب پھر اس میں تھوڑا سبز ڈال کے پھر جو ہے ایک اور شامی کباب اس پر اور اس کے بعد تھوڑا چکنی میرے خیال میں یہ مزیدار آئے گا ابھی دیکھیں بہت زیادہ مزہ تھینک یو یہاں پر تھوڑا کباب چکن بوٹی باقی رہ چکا ہے اور یہ پھل کے لیے ہے کھانا بہت ہی مزیدار تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہناڈی والے غیر دسترخان کے ہم لوگ یہاں پہ باہر فائرنگ بھی جاری ہے فائرنگ نہیں ہے یار یہ نیو ایئر کا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے میں اپنے فیملیز کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا ہوں وہاں پر ابھی 12 بجنے والی ہے اور نیو ایئر کا ٹائم ہو رہا ہے تو جشن منانے اور پٹاخے مارنے دیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ تو ابھی ہم لوگ رستے پر ہیں میرے خیال میں آج رات پچھلی سالوں کی طرح زیادہ رشکش اور ہجوم نہیں ہے کیونکہ بارش بھی ہے تو بہت سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے بچت کرنے کی کوششوں میں پڑے ہوئے ہیں مگر پھر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح 2024 کا آغاز کرتے ہیں شہر کی طرف آ رہے ہیں یہی پر یہ جو سکوئر چھوٹا سا سکوئر آگے دکھائی دے رہا ہے وہاں پر جو میڈل ہے وہاں پر سگنل ہے وہیں پر لوگ پٹاخے پھوڑنے شروع کریں گے یہاں پر لوگ کا رشکش لگا ہوا ہے اور لوگ آگے جا رہے ہیں جو ہی 12 بجے کے قریب ہونے جا رہا ہے گورے لوگ مست ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں نے تو ابھی ابھی اٹھے اپنے بستر سے تو آج رات کچھ نہ کچھ ہو گئے ہیپی نیو ایئر
आज रात के लिए इतना ही काफी था तो 2024 को मैं सबके लिए एक खुशी की साल उम्मीद करता हूँ और मुबारक हो सब हैप्पी न्यू ईयर